95 पे कैसे आप मुझे बता रहे थे कैसे सिंगल लेते रहना है, तो मैं अपने आप से बात कर रहा था कि मुझे सिंगल लेते रहना है, सिंगल लेते रहना है। मेरा मन बहुत कर रहा था छक्का मारने का और कंप्लीट करने का अपना 100, बट सिंगल से ही काम करना पड़ा। तो जब यू वर क्लोज टू 200, यू हैड अ चैट विद विराट भाई, व्हाट वाज द चैट अबाउट? मैंने पहले बोला कि भैया प्लीज़ मेरे को बोलते रहिए सिंगल लेने के लिए, मैं उड़ा दूंगा वरना आगे बढ़ के, मुझे अंदर से बहुत वो हो रहा है, तो प्लीज़ आप मेरे को बोलते रहिए। तो उन्होंने बोला ठीक है मैं बोलते रहूँगा। तो उधर से वो नॉन सेकेंड से इशारा ऐसे ऐसे कर रहे थे मुझको। तो फिर ऐसा कुछ रात में कुछ स्पेशल किया क्या ऐसा कि जो आज एकदम सारे छक्के लग रहे थे, कुछ हुआ ऐसा रात में? रिकवरी अच्छी करी और साथ में तू भी था, हम लोग क्रिकेट की बात भी कर रहे थे, मैंने बोला भी कि यार मुझे 100 बनाना है, सो उस समय तेरा भी रिस्पांस बहुत अच्छा था। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें मुझे लगता है काउंट करती है। ऐसा आप बताएंगे ज़रा इंडियन फैंस को कि ऐसा क्या रिकवरी में आपने किया, ऐसा क्या करते हो जनरली मैच से पहले रात को रिकवरी में? रिकवरी आई थिंक पूल सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ में आपका जो भी हाइड्रेशन का होता है, इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोल जो भी आप पीते हो सब फास्ट इनअप सब चीज़ पीना चाहिए, और मैं जनरली फ्लशिंग कराता हूँ। आपने आज फास्टेस्ट डबल 100 बनाया और आपका पहला ही 100 था, तो आप क्या सोच के गए थे कि यार फास्टेस्ट डबल 100 बनाना? नहीं, मैं एक्चुअली सोच के नहीं गया था, मैं अपने आप को सीधा लगता है 90 समथिंग पे देखा और उसके बाद से अपने आप को काम डाउन किया, फिर 90 से सीधा मैंने अपने आप को 146 पे देखा, 146 से फिर मैंने सीधा अपने आप को 190 के पास देखा। मैं कुछ सोच नहीं रहा था, मुझे लगा विकेट इतनी अच्छी है तो ज़बरदस्ती रोक के क्यों खेलना, और इतनी अच्छी सिचुएशन है तो मार के ही खेलो।